गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी देखने। हमारे यहाँ पे बाबा बालकनाथ का मंदिर है, हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। तो अभी अभी हम रेडी हो चुके हैं, 10 बज गए हैं रात के। तो अभी हम जा रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी पे, झांकियाँ निकलेंगी, राधा जी, कृष्ण जी, सुदामा जी, बाबा बालकनाथ जी की झांकियाँ निकलेंगी, हम वो देखने जा रहे हैं और कृष्ण जी को झूला झुलाने जा रहे हैं, मथा टेक कर आएंगे अभी लौट के 12 बजे जब कृष्ण जी का जन्म उत्सव हो जाएगा। उसके बाद आपको चल के वहाँ पे मैं झांकियाँ दिखाऊंगी। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ हम लोग कौन कौन जा। देखिए फ्रेंड्स, मम्मा रेडी हो चुके हैं, मम्मा रेडी हो चुके हैं, संजना भी रेडी हो चुकी है, संजना आ चुकी है। ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं सभी जने, और भी हमारी गली में से आंटी लोग जा रहे हैं, वो भी हमारे साथ जाएंगे। अब हम जा रहे हैं वहाँ पे, आपको मिलते हैं हम मंदिर में जाके। हाँ चलते। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग चलते हैं झांकियाँ देखने। हाँ? राधे राधे। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग चलते हैं मंदिर। फ्रेंड्स आप देख सकते हो, ये देखिए हम चौक पर आ गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग अभी जा रहे हैं बाबा बालकनाथ मंदिर। गाइस देखिए हमारे साथ कौन कौन जा रहा है, ये देखिए इधर ये है हमारा बाबा बालकनाथ मंदिर, जहाँ पे झांकियाँ निकलेंगी। ये देखिए देखिए कौन कौन जा रहा है मेरे साथ, मैं हूँ, संजना है, मम्मी है, आंटी अंकल आ रहे हैं, वो देखिए पीछे। फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे यहाँ जहाँ पे आपको वाइट वाइट लाइट दिखा रही दे रही है, वो मंदिर है हमारा बाबा बालकनाथ मंदिर का। और उधर देखिए वहाँ पे पंडाल सजा हुआ है जहाँ पे हमने जाना है, बहुत सारे लोग जा रहे हैं। देखिए रात के 10 बजे कितने सारे लोग जा रहे हैं। बस हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ देखिए सब देखिए, आपको आवाज सुनाई दे रही है। तो गाइस यहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो चुकी है, आप देख सकते हो। यहाँ पर कान्हा जी देखिए मनिहारी के वेश में आए हैं और चूड़ी बेच रहे हैं। आपने वो गाना सुना होगा, मनिहारी के वेश में आया शाम चूड़ी बेचने आया, मैंने भी इनसे चूड़ियाँ ली। यहाँ पर साईं बाबा जी के दर्शन कर लीजिए, इनके दर्शन करके बहुत ही सुकून मिला और बहुत ही मन को अच्छा लगा, बिल्कुल मन शांत हो गया। आप देख सकते हो, देखिए कैसे यहाँ पे कान्हा जी से मिलने आए हैं, द्वार पर जाने नहीं दे रहे। जैसे कान्हा जी को पता चला सुदामा जी आए, देखिए कैसे दौड़े दौड़े आए, उनको गले से निकाल लिया। बहुत ही इमोशनल सीन होता है ये देखकर, बहुत ही अच्छी दोस्ती है इनके बीच में पता लगता है। यहाँ पर देखिए दही हांडी फोड़ी गई और कैसे कैसे कान्हा जी ने मटकी फोड़ी है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लगा देखकर। ये देखिए फ्रेंड्स, मुझे परेशानी आ चुका है और आपको मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। देखिए गाइस यहाँ पे पानी पी रहा है, तो शांति का पता नहीं चल रहा। तो देखिए फ्रेंड्स
हमें प्रसाद मिल चुका है, इधर संगला को खीर का प्रसाद मिल चुका, मुझे भी खीर का प्रसाद मिल गया, और ये मैं घर लेकर जाऊँगी अपने भाइयों के लिए, और आप लोग खा लीजिए प्रसाद आपके लिए खीर। मेरा पास मैंने सुबह वर्क छोड़ूंगी तो ये प्रसाद आप लोगों के लिए।